सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल जेड ए यूट्यूब। तो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ कि गाइस मेरा एक फ्रेंड का चैनल है जिसका नाम है डेवल गेमिंग YT। तो यार वो चैनल का मैं शाउट आउट देता हूँ। तो गाइस कुछ इस तरह का चैनल है, वहाँ पे उसने बहुत सारी वीडियो अपलोड करी, आप जाकर देख सकते हो। वो मॉन्टेज वीडियो ज़्यादातर डालता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। एंड उसको चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप विजिट कर लेना। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो उसका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, आप विजिट करके एक बार चेक करना, बट लास्ट में जाना वीडियो के। तो वीडियो में आज का टाइटल है कि गाइस आज आप यहाँ पे फ्री फायर में हेडशॉट कैसे मार सकते हो राइस्टार की तरह। गाइस राइस्टार के आपने हेडशॉट देखा ही होंगे। गाइस वो हेडशॉट मतलब कतई जहर होते हैं। आप वो जो बंदे को वो मारता है वो हेडशॉट ही मारता है, उसके बॉडी बहुत ही ज़्यादा कम लगता है, उसका हेडशॉट लगता है बहुत ज़्यादा। तो वो हेडशॉट कैसे मारता है, उसका क्या ट्रिक है? तो गाइस पहली ट्रिक तो आपको ड्रैग करना पड़ेगा, तो कोई भी आपको पता होगा। बट गाइस दूसरी ट्रिक होती है उसकी सेंसिटिविटी। वो सेंसिटिविटी फ्री फायर के अंदर जो यहाँ पर आप सेटिंग पर जाते हो एंड यहाँ पर आप सेंसिटिविटी को यहाँ पर कंट्रोल करते हो, गाइस वो तो होता है ठीक है। लेकिन एक और चीज़ होती है, एक और सेटिंग होती है जो फ्री फायर से हट के मोबाइल की सेटिंग में होती है और वो आपको करनी पड़ती है। इस वजह से आपका जो है यहाँ पर जो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है एंड आप यहाँ पे ट्रैक करके हेडशॉट लगा सकते हो। तो मैं आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। तो उस सेंसिटिविटी को यहाँ पर आपको देखना है। गाइस मैं आपको तीन ट्रिक दूंगा ठीक है, तीन स्टेप दूंगा, आपको तीनों स्टेप को फॉलो कर देना है। तीनों स्टेप इंपॉर्टेंट है, तो गाइस तीनों को आपको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद यहाँ पर आपका 100% हेडशॉट लगेगा ठीक है, लगेगा पक्का लगेगा, 100% लगेगा। वीडियो को फुल वॉच करो, आपको पक्का बता रहा हूँ लगेगा ठीक है। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करें एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने होम स्क्रीन पे ठीक है। तो आपको पहले चले जाना है सेटिंग में ठीक है, अपने सेटिंग पे चले जाना है अपने एंड्रॉयड मोबाइल के। तो उसके बाद आने के बाद यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। तो गाइस आपको सर्च कर लेना है एक्सेसिबिलिटी ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस पे चले जाना है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको नीचे आना है एंड यहाँ पर आपको दिखेगा फ़ॉन्ट साइज। तो आपको फ़ॉन्ट साइज पे चले जाना है एंड यहाँ पर ये जो है ना आपका कुछ इस तरह का डिफ़ॉल्ट पे रहेगा ठीक है। आपको इसको एकदम ना स्मॉल कर देना ठीक है, लार्ज नहीं करना, ये लार्ज नहीं करना आपको। यहाँ पर ऐसे लार्ज होगा बट आपको यहाँ पर एकदम स्मॉल कर देना ठीक है, एकदम स्मॉल एकदम ही ठीक है। करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको लार्ज माउस पॉइंट को यहाँ पर आपको ऑन कर देना। ये आपका ऑफ रहेगा तो आपको इसको ऑन कर देना ठीक है। तो आपको ये थोड़ी सी यहाँ पर ट्रिक करनी होगी ठीक है। तो ये करने के बाद आपको वापस से बैक आ जाना है। तो गाइस ये हमारी हो गई फर्स्ट ट्रिक ठीक है। आपको सेकंड ट्रिक पे आ जाना है। सेकंड ट्रिक पे क्या होगा, आपको यहाँ पे सर्च करना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है पॉइंटर स्पीड। तो मैं फटाफट से यहाँ पे सर्च करता हूँ पॉइंटर स्पीड। तो ये हमारा पॉइंटर स्पीड आ चुका है, इस पर आपको क्लिक करना है एंड ये हमारा पॉइंटर स्पीड। आपको इसको फुल कर देना, आपको यहाँ पर डिफॉल्ट हो सकता है या एकदम लो हो सकता है, आपको इसको फुल करके ओके कर देना। आपका फुल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो फुल कर देना ठीक है। हमारी हो गई दो सेटिंग। आपकी तीसरी सेटिंग होती है वो इंपॉर्टेंट, वो आपको गौर से देखना ठीक है, आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके पहले तो आपको यहाँ पे चाहिए बोल्ड नंबर ठीक है। बोल्ड नंबर चाहिए। बोल्ड नंबर से क्या होगा, आपका यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। जिसका इनेबल है वो सही है, बाकी जिसका नहीं वो बोल्ड नंबर पे एक बार 7 दफ़ा टैप करेगा ना तो उसके बाद उसको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको डेवलपर ऑप्शन कहाँ मिलेगा वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ सिस्टम पे, सिस्टम पे आने के बाद यहाँ पर आपको सब ऑप्शन दिख जाएंगे। सबसे नीचे आप देखो डेवलपर ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उसमें यहाँ पे क्लिक कर देना ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ढूंढना है जिसका नाम होता है स्मॉल विड्थ ठीक है। स्मॉल विड्थ ये आपको ढूंढना है, ये रहा हमारा स्मॉल विड्थ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको 480 का रखा हुआ है, आपका हो सकता है ये 300, 360 या 320 का होगा। ऐसे 320 का होगा, 320 में देखो इतना बड़ा हो जाएगा। तो गाइस ये देखो इतना बड़ा हो गया ठीक है। आपको 320 होगा तो आपको इसको लेना है, इसको आपको अपने फ़ोन के हिसाब से कर लेना है। अब आती है इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका जो फ़ोन है वो यहाँ पर 3 से 4 GB का हुआ ना तो आप यहाँ पे 500 या 550 तक के यहाँ पर आप यहाँ पे स्मॉल विड्थ डाल सकते हो। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे 3 GB का है तो मैं यहाँ पर 480 डाल दूँ, जो कि मेरे मोबाइल के लिए अच्छा है और मेरे को इसी में ही खेलने बनता है। तो आपका अगर मोबाइल 3 से 4 GB तक है तो आप 480 डालो, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 480 डालो। अगर आपका थोड़ा लो है तो आप यहाँ पे कम भी डाल सकते हो, आपको 450 भी डाल सकते हो, 450 भी डाल सकते हो, आपको 400 भी डाल दो तो भी सही है, आप 430 डाल दो ठीक है। आपको 400 तक का डालना है, 400 आपका यहाँ पर डालना पड़ेगा। 400 से ज़्यादा डाल दो, 400 से कम डालोगे तो आपका हेडशॉट नहीं लगेगा ठीक है। तो आपको 480 पे मैं यहाँ पे ओके लेता हूँ ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पे सेटिंग हो चुका है ठीक है। बस ये है हमारी छोटी सी सेटिंग। तो बस ये आपको 3 सेटिंग आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है एंड ये करते ही आपका जो 1 टैप हेडशॉट होगा वो मतलब खतरनाक हो जाएगा। आप जिसको भी आप हेडशॉट मारना चाहोगे मार सकोगे एंड हर बंदे को आप हेडशॉट से ही किल कर पाओगे, जो कि आपके रैंक में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा एंड कस्टम रूम वगैरह में भी आप बहुत ही ज़्यादा हेडशॉट मार पाओगे ठीक है। तो यार ट्राई करके ज़रूर देखना, अगर ट्राई करो और ये वर्क करता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड ऐसी आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक्स चाहिए तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की टिप्स एंड ट्रिक मिलती रहे। तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए। तो मैं मिलूंगा इसी का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।